Now, in a raid at a DMart store in Jaipur, the Rajasthan Food Safety Department has found fake and adulterated ghee being sold. Over 450 litres of ghee has been seized. I'm now joined by NDTV Rajasthan's Virendra Shekhawat. Virendra, give us more details of what you're picking up on this. राजस्थान सरकार के द्वारा जो मिलावट को लेकर जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो डीमार्ट है उसके अलग अलग जो ब्रांच होती है, उसके जो स्टोर होते हैं, वहाँ पे तकरीबन प्रो वैदिक जो ब्रांड का जो घी आता है वो 2700 लीटर के करीब है, वो जब्त किया गया है। और अभी भी जो कार्रवाई है वो लगातार जो राजस्थान फूड डिपार्टमेंट है उसके द्वारा की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर अभी तक जिस तरीके से जो नॉर्मल स्टोर होते हैं वहाँ पे कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अब जो डीमार्ट हो गया, हाइपर सिटी होगी, इन स्टोर्स पे भी अब जो राजस्थान फूड डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई कर रहा है। और इसके तहत आप देखेंगे कि जो प्रो वैदिक घी है उसकी जो सूचना है वो फूड डिपार्टमेंट को मिली थी कि इसमें मिलावट है, इसको लेके ये कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन जब फूड डिपार्टमेंट ने जो मालवीय नगर में स्थित जो एपेक्स सर्किल है वहाँ पे डीमार्ट के अंदर रेड मारी तो उसके अंदर पाया गया कि एक ही बैच के जो सरस घी है, राजस्थान के अंदर जो सरकारी डेयरी होती है उसके जो घी के पैकेट हैं वो वहाँ पे एक ही बैच के वहाँ पे पाए गए और उसके तहत कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो अलग अलग डीमार्ट के स्टोर्स हैं वहाँ पे भी इसी तरीके की जो गड़बड़ी है वो पाई गई और इसको लेके अभी कार्रवाई की गई। और जो डीमार्ट के जो एरिया मैनेजर हैं उन्हें भी हिदायत दी गई है कि अभी दोनों जो ब्रांड के जो चाहे वो सरस हो या फिर प्रो वैदिक जो घी है वो ना बेचा जाए और इसके लिए पाबंद भी किया गया। अगर इन फ्यूचर अगर इस तरीके की फिर से कोई अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो स्टोर को सीज भी किया जा सकता है। ऑल राइट वीरेंद्र, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ऑल्सो जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट राइट नाउ इज मिस्टर पंकज ओझा, इज द एडिशनल कमिश्नर फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल राजस्थान। ही इज द मैन बिहाइंड ऑल दीज रेड्स। मिस्टर ओझा, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मिस्टर ओझा, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू कंडक्ट दीज रेड्स? क्या कोई कंप्लेंट्स आई थी कि आपने उन पर कार्यवाही की और फिर इन रेड्स को किया, और इन रेड्स में आपने क्या पाया? बहुत सारे इनपुट्स हमारे पास सीधे भी आते हैं, कुछ हम रेकी करते हैं। और इस कल डीमार्ट वाले मामले में दो सजग ग्राहक थे, उन लोगों ने हमें सारा डिटेल भेजा था, बिल भी भेजा, बताया कि इसमें बदबू आ रही है। तो हमने इस पे पूरी टीम के साथ हम वहाँ गए, तो वहाँ एक तो प्रो वैदिक घी की शिकायत आई थी जो हरियाणा से बन के आया, उसको जाँच किया गया तो वो लेबोरेटरी में नकली पाया गया, मतलब खाने योग्य नहीं था। तो साथ ही हमारी नज़र वहाँ सरस डेयरी के घी पर पड़ी जो कि डी मार्ट के लेवल पे ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ना तो वो सरस डेयरी से घी ले रहे हैं ना उनके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से उन्होंने खरीदा है, किसी अन्य व्यक्ति से वो सामान ले रहे हैं। और उसमें कार्टन्स में एक ही सीरीज थी और वो बैच यूज किया गया था जो सरस डेयरी ने लास्ट ईयर घी बनाया था, उस बैच नंबर से साल बनाया ही नहीं। वो सारा हमने लिया और प्राइमा फेसा वो सरस डेयरी का जो नकली घी गलत पाया गया उसको हमने सीज किया, और जहां से ये इनको सप्लाई किया जा रहा था वो भी हमने सारे सीज किए हैं। आज उस पर भी कार्रवाई चल रही है। राइट मिस्टर ओझा, क्या ये जो सप्लाई है वो आपको लग रहा है कि और सुपरमार्केट्स और किराना स्टोर्स में भी गया है? क्या आप उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई कर रहे हैं और रेड्स हो रही है? हमने पूरे राजस्थान में जैसे टोंक, दौसा और निवाई, शाहपुरा, कई जगह पर जहाँ इसके आशंका थी कि जहाँ से सप्लाई किया गया है वहाँ के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको भी हमने पूरा एड्रेस दे करके उन्हें कहा कार्रवाई करने के लिए, तो वो भी टीमें हमारे काम कर रही है। और जहाँ से डीमार्ट को सप्लाई किया गया है जो कि अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है उसके यहाँ पे भी आज वापस से उसका सील खुलवा करके और चेक कर रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी कार्टेल है, ये एक माफिया है जो काम कर रही है, उसके लास्ट चैनल तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जी मिस्टर ओझा, आप कह रहे हैं कि एक ऑन अ ब्रॉडर लेवल वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन लोग हैं जो ये मिलावट कर रहे हैं, और उसके बाद जो रूल्स हैं उनको कैसे बाईपास करके वो ये घी के कार्टन्स जो हैं वो डीमार्ट और कई अन्य स्टोर्स में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये कैसे हो रहा है? ये इसमें कुछ लोग हैं जो
ओरिजिनल घी के बीच में कुछ नकली घी के डिब्बे भी बीच में रखते हैं। जैसे एक कार्टन है उसमें 12 है, तो 12 के बीच में वो 5-6 बीच में डाल देते हैं और उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। आम ग्राहक के लिए तो ये जानना ही मुश्किल है। हमने भी सरस डेयरी के जो स्पेशलिस्ट हैं, एनलिस्ट हैं, उनको बुलाया, तब वो बता पाए। और वाकई एक बड़ा रैकेट है, बड़े इंटेलिजेंटली ये काम कर रहा है कि जो असली घी के बीच में कुछ नकली डाल दिए जाए। लेकिन डी मार्ट के लेवल पे ये एक बड़ी कमी जरूर है कि आप ऑथराइज जो डीलर हैं या सरस डेयरी है उनसे क्यों नहीं खरीद रहे हैं, और ऐसे किसी अनऑथराइज व्यक्ति से आप कैसे ले रहे हैं जो सरस डेयरी का ऑथराइज ही नहीं, उससे आप लेकर के बेच रहे हैं। हो सकता है कि वो आप इनको सस्ता भी दे रहा हो, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि उसके एक कार्टन में अगर 12 है तो उसमें से 4 या 5 बिल्कुल नकली वाले हमें मिले। तो जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं उसमें एक लॉट में अबाउट 20-30% अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो नकली घी के कार्टन्स हैं। मिस्टर ओझा, एक बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में आएगा कि क्या किया जा सकता है कि ये फिर से ना हो, बिकॉज़ इंडिया इज सच अ बिग कंट्री, और आपने जैसे कहा कि एक बड़े सुपर स्टोर में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक प्रो वैदिक घी जो हरियाणा का है जो जांच में नकली पाया गया है, इनको भी पहली बात तो डी मार्ट और ऐसे जो बड़े स्टोर्स हैं इनको सरकारी लेबोरेटरी या गवर्नमेंट की ऑथराइज लेबोरेटरी से कम ये जनता को सप्लाई करने के पहले अपने लेवल पे संतुष्ट हो, उनसे जांच लें, उनके फैटी एसिड्स की जांच करवाएं घी की, ताकि इन्हें पता रहे कि हाँ इन्होंने जो खरीदा है, जो सप्लाई कर रहे हैं वो सही है। ऑथराइज व्यक्ति से इनको लेना चाहिए ताकि ये इनके पार्ट पर तो कम से कम गड़बड़ ना हो, लेकिन इनके पार्ट पे यहाँ पर गड़बड़ है। उपभोक्ताओं के लिए हमारा ये कहना है कि आप अपने बैच नंबर वगैरह ढंग से देखें, उसकी पैकिंग देखें, प्राइम ऑफ ऐसा ही बहुत सारी चीजें नजर आ जाएगी। दुकानदार से कुछ सवाल करें, कब पैक किया गया, आपने कहाँ से खरीदा है, किस तरह के ऑथराइज डीलर से आया है। इसी तरह से दूसरे सामानों के लिए भी थोड़ी बहुत तो जागरूकता कस्टमर्स को रखनी पड़ेगी, तभी ये काम होगा। जी, आखिरी सवाल आपसे मिस्टर ओझा, क्या कार्रवाई की गई है डीमार्ट के खिलाफ और बाकी ऐसे स्टोर्स के खिलाफ जहां ये पाए गए हैं दीज फेक घी कार्टून्स? फेक घी कार्टन्स हमने सीज किए हैं, उनके सैंपल्स लिए हैं, उनको फिर हम नष्ट करवाएंगे। इसके अलावा जो आईपर मार्ट और हमें मिला है वहाँ पे कुछ ऐसा तेल हमें मिला है जो हमने कुछ समय पहले ही उसकी 50,000 लीटर की खेप सीज की थी, उसको भी हमने सीज किया है। और डी मार्ट के खिलाफ सरस डेयरी और ये दूसरे विभाग, हमारा विभाग भी संभवता ये FIR भी दर्ज कराने की कार्रवाई चल रही है, ताकि पुलिस अपना काम करे कि ये आखिर कहाँ से ये बनाया गया, कहाँ से यहाँ तक पहुँचा। क्योंकि ये बड़ी अलार्मिंग स्थिति है कि डी मार्ट जैसे अच्छे प्रेस्टिजियस जो स्टोर्स हैं वहाँ पर भी नकलबाजों ने अपना माल खपा दिया। All right, Mr. Ojha, thank you very much for joining us on NDTV Profit and telling us of the action that has been taken in Rajasthan. Thank you.